अच्छा जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक एक्सेल की वर्कबुक जो हमारे पास एक फ़ाइल है उसे एक वर्कबुक बोलते हैं और उसके अंदर एक्सेल सप्रेड शीट्स होती हैं ये जो शीट है इसको सप्रेड शीट बोलते हैं ये जो जितना भी हमारे पास शो हो रहा है तो हम यहाँ से शीट्स जितनी भी हमारी ज़रूरत हो वो ऐड कर सकते हैं एक्सेल 2007 थाउजेंड तक हमारे पास 255 शीट्स की लिमिट थी लेकिन जो नए वर्जियज आ रहे हैं एक्सेल के उसमें कोई लिमिट नहीं है जितनी भी आपके कंप्यूटर मेमोरी है सिस्टम मेमोरी है उतनी आप शीट्स ऐड कर सकते हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें लिमिटेड नहीं है जितनी भी आपको शीट्स की ज़रूरत है वो ऐड कर सकते हैं इवन अगर आपके पास 2007 से पुराना वर्जन भी है एक्सेल का तो स्टिल 255 शीट्स एक अच्छी खासी अमाउंट है क्योंकि जब आपके पास इतनी सारी शीट्स होंगी और हर शीट में हज़ारों और लाखों रिकॉर्ड्स होंगे तो एक टाइम आएगा जब आपकी वर्कबुक स्लो होने लग जाएगी एप्लीकेशन स्लो चलना शुरू कर देगी तो लेकिन स्टिल हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कितनी हम एक्सेल शीट्स ऐड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं टू थाउजेंड सेवन से ऑनवर्ड अब हमारे पास बहुत सारी शीट्स ऐड हो गई हैं हम किसी भी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कस्टमर शीट है शीट फोर पे हम डाल देते हैं ऑर्डर इनफो शीट है या ऑर्डर शीट सैलरी शीट तो हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं हम हर एक शीट का नाम कस्टमाइज कर सकते हैं राइट right क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं तो हम अपनी शीट्स का नाम अपने यूज़ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं अब मैं करंटली शीट वन में हूँ जिसका नाम हमने एक्सेल लर्निंग रखा है और इसमें हमें एक ग्रिड शो हो रहा है जिसमें एक तरफ कॉलम्स हैं एक तरफ रोज हैं और रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को एक सेल कहते हैं जो एक ब्लॉक आपको शो हो रहा है ये एक सेल है करंटली मैं ए वन सेल के अंदर हूँ ए कॉलम सेल और रो वन अभी मैं सेल ई फोर के अंदर हूँ जो नेम बॉक्स में हमें शो हो रहा है इसका मतलब है कि ई e कॉलम में फोर्थ सेल में हूँ तो ये जो नेम बॉक्स में आपको शो हो रहा है या जो सेल नेम है इसको हम सेल रेफरेंस करते हैं ये मैं इतनी डिटेल में बेसिक्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि आगे हम जाके जब फार्मूलाज पे और फंक्शंस पे जाएंगे या एडवांस लेवल पे एक्सेल लर्निंग में जाएंगे तो ये बेसिक्स हमारे बहुत काम आने वाली हैं ये सेल रेफरेंस जो सा ये हर जगह यूज़ होगा तो ये सेल रेफरेंसेस जो से बहुत इम्पोर्टेंट हैं अभी करंटली मैं शीट वन में हूँ जिसमें एक्सेल लर्निंग हमने नाम रखा हुआ है हम मे भी डिफरेंट किस्म का डाटा हमारी शीट्स में है या डिफरेंट हर वीक का फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डेली डाटा चाहिए हमारे पास एक साल का सेल का डाटा है फॉर एग्ज़ाम्पल और मैं हर डेली या वीकली रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ मैं हर वीक के लिए वीक वन टू थ्री फोर के लिए अलग अलग न्यू शीट ऐड करता जाता हूँ और या जिस तरह भी आपका डाटा के रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने सिस्टम में एक्सेल ओपन करें डिफ़रेंट रिबन में जाएँ डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें डिफरेंट सेल्स में डेटा ऐड करें न्यू शीट्स ऐड करें शीट्स का नाम चेंज करें मतलब ये कि प्रैक्टिस करें जैसे ही आप जा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा गो थ्रू होंगे उतने आप एक्सेल के इंटरफेस के साथ फमिलियर होंगे उतना आपके लिए काम करना ईजी होगा और आप फास्ट काम कर सकेंगे एक्सेल के अंदर